बटाला के नजदीक तो निकलन वाले ब्यास डेरा बाबा नानक हाईवे से चल रहे काम को लेकर मुश्किल आ रही सन। इन्होंने मुश्किलों को लेकर सरकार वालों फैसला लिया गया सी कि इस हाईवे के प्रोजेक्ट को वापस ले लिया जाए, लेकिन इस प्रोजेक्ट के वापस होने नाल इलाके का भारी नुकसान हो सकता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन, नैशनल हाईवे अथॉरिटी और जिड़े किसानों की जमीन एक्वायर की गई सी उन्होंने दरमियान यह एक अहम मीटिंग बटाला के चाल कला पिंड विखे की गई। इस मीटिंग विच किसानों की सहमति के बाद इस प्रोजेक्ट को रोक देने का फैसला वापस ले लिया और जिहड़े किसानों को किसी कारण मुआवजा नहीं मिल पा रहा उन्होंने जल्द हल करवाने का विश्वास दवाया। इस मीटिंग विच पहुंचे नायब तहसीलदार लखविंदर सिंह, नैशनल हाईवे के अधिकारी सुकांत विश्वास और किसान आगुओं के दरमियान मीटिंग दौरान आ रही मुश्किलों को लेकर विचार वटांदरा किया गया। इस मौके नैशनल हाईवे के अधिकारी सुकांत विश्वास, नायब तहसीलदार लखविंदर सिंह और किसान आगुओं ने दसिया कि इस प्रोजेक्ट को लेकर मुश्किल आ रही सन। इस प्रोजेक्ट को लेकर 75% किसानों उन्होंने एक्वायर की जमीन का मुआवजा मिल चुका है, बाकी किसानों को मुआवजा किसानों के आपसी मुश्किल कारण नहीं मिल सकिया, जिस कारण कुछ किसान जथेबंदियों वालों चल रहे काम को बार बार रोक दिया जाता है, जिस कारण सरकार वालों फैसला लिया गया कि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। उसके कारण मीटिंग की गई है, पर किसानों ने विश्वास दवाया कि यह इस प्रोजेक्ट को लेकर अपन जमीन देना चाहते हैं, पर रहिंदा मुआवजा दिता जाए, जिसको लेकर सहमति बनी है कि किसानों की इस मुश्किल का हल किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को फिलहाल नहीं रोका जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीआरटी न्यूज नेटवर्क। देखो जी, अज की जी मीटिंग सी वो ये कि कुछ दिन पहला किसान यूनियन वालों जो इन्हों का प्रोजेक्ट की डिवेलपमेंट का काम चल रहा है उन्होंने रोकया गया कि सारे की पेमेंट नहीं हुई, जिन्ना चिर पेमेंट नहीं होगी उन्ना चिर तक असं काम नहीं चलन दें। उसके मुतलक अज इतने सारे सद्या गया सी, जिदे सारे समझाया गया कि यह जी रोड है ये बहुत साढ़े इलाके के विकास लिए बहुत जरूरी है, साढ़े गुरधामों जोड़ती है। ये बेनती की गई सी पंजाब सरकार वालों, तो सेंटर गवर्नमेंट ने यह बेनती मनते हुए ये प्रोजेक्ट अलाउ किया सी। इहदे विच साढ़े इलाके का बहुत विकास नाल संबंध है, साढ़े आने वाली पीढ़ियां के भविख दे नाल इहदा लिंक है। तो अज यह किया गया सी कि असी इस प्रोजेक्ट नूं रोकना नहीं है, 80% पेमेंट हो चुकी है, जिहड़ी पेमेंट नहीं हुई किन्हां कारणां करके नहीं हुई, सांझे खाते का कोई इशू आ, तहसीलदार साहब इत्थे ने, DPRO साहब इत्थे ने, ऑफिशियल आए ने रेवन्यू डिपार्टमेंट के, उन्होंने अगे बेनती की है। तहसीलदार साहब ने नोट भी किया कि वह DC साहब को दसणगे कि इहो जी कमेटी बनाई जाए जिथे ऑफिशियल भी होण और पिंड लैवल दे भी उहदे विच अपने तहसीलदार अपने पटवारी साहब होण, गुरदौर साहब होण, सरपंच होण, लंबड़दार होण, ये सर्टिफाई करन कि वाकई किहदा कब्जा वा, जिहदा कब्जा वा, जिहदा जेन्युइन कब्जा वा उहनूं पेमेंट होए, दूजिआं ते कोई प्रैशर बिल्डअप किया जाए, कोई इहदा सल्यूशन कढ़िया जाए तां कि जिहड़ा वा सारिआं दी पेमेंट हो के ये जिहड़ा वा ये प्रोजेक्ट जिहड़ा छेती छेती कंप्लीट होए, क्योंकि एक प्रोजेक्ट साढ़े वास्ते साढ़े इलाके की डिवेलपमेंट वास्ते बहुत जरूरी है। मीटिंग च सानूं तां सिर्फ इन्ना ही पता लगा वी करण साहिब ने बुलाया उत्थे, ते सानूं आ सकांत जी उन्होंने दस्सिया वा कि उत्थे आओ जी, ते असीं उसे वेले जी पहुंचे इत्थे आण के सारी। हाँ जी, संबंध इहो जी रोड बंद हुंदा जिहड़ा उह जे रोड दा डिवेलपमेंट जिहड़ी होणी आ उह नहीं होण देणी जी, बंद ही कर देणा जी रोड, ते आ दे करोड़ां रुपये लै लिया जी, अहीं कित्थों मोड़ांगे इन्हां नूं रुपये जी, उह अहीं नहीं मोड़ सकदे जी, साडी कोठी वी आई आ, पैली वी आई आ, पैसे इन्हां दित्ते सानूं, आह कब्जा दित्ता उहदा इन्हां नूं जी, मसला हुण जिहड़े भरावां नूं पैसे नहीं पैंदे, जां झगड़ा ते हैगा साडे सरदारां लोकां दा अपना भरावां दा झगड़ा वा, पर उह हुण दसो जी दूजे अफसर की कर सकदे आ, अफसर कुछ नहीं कर सकते, अफसर यह कर सकते हैं मौका दे आउण जिहदा कब्जा वा उहनूं पैसे देण, जां जिहड़ा भी कोई हल कर सकते ने वह अफसर कर सकते ने, भरावां ने नहीं करना, जिस भरा दा नहीं कुछ आउंदा विच उह ज़्यादा रौला पाउंदा ते उही बंद करा दिंदा, उह कहिंदा रोड ही बंद कर दिओ जी तुसीं, कि सानूं तां कख मिलिया नहीं, इहनां नूं भी ना मिल जावे। नहीं रोड ते वेखो जी सारे ही चाहुंदे आ, रोड कहिड़ा नहीं चाहुंदा वी चंगा काम हो जाए, रोड सारे चाहुंदे आ, और रोड ते कोई भी नहीं आउंदा वी ना बणे, पर जिहदा नहीं कुछ आउंदा उह आउंदा जे रोड बंद हो जावे। किन्ने किन्ने पैसे मिले जी आपां नूं, किन्ने वेखो पैसे मिले, इन्ने पैसे किसे नूं कदे मिले नहीं जी, किन्ने फीसदी किसानां नूं जिहड़े पैसे मिले, मेरा ख्याल जी 80% ही होणे आ जिहड़े मिल गए, 10-20% ही रह गए आ सारे जिन्हां नूं नहीं मिले, उहनां दा रौला वा जिन्हां दा जी, रंगण नंगल मेरे रौला वा जी अपने पिंड ही, असीं अज सवेरे उत्थे भी गए आ, प्रधान को भी गए आ वी प्रधान साहब जी बैठीए बह के गल करिए इहनां नाल, जिहड़े कोई नहीं मनदे उहनां दा अहीं साथ क्यों दईए जी, अहीं साथ नहीं दे सकते उन्हां दा, क्यों दईए साथ अहीं जदों इह साडा साथ नहीं दिंदे, अहीं एवें झंडे चुक के उत्थे चले जांदे आ, क्यों जाइए फिर अहीं, अज सानूं तां अहीं अहीं ते इहनां नूं उहनां नूं आख्या वा आण के रंगण नंगल वालिआं नूं भी अपना मसला हल करो,
बह जाओ साढ़े ना बहना साढ़े ना बह जाओ अफसर सदनी उन्होंने बह जाओ तो मसला हल करके अपने अपने जिदा जिदा थान आता उन्होंने पैसे पै जान तो बाकिया रोड बन दौ जी तुम अज इस मीटिंग में पेंड वासी सरपंच मोहतवार व्यक्ति अपने डी पी आर ओ साहब कैप्टन साहब होर भी प्रेस वाले आए हाजिर आए हैं इन्हों में किसानों ने आप कहा भी जी जिन्हें पेमेंट ले ली आ अही कब्जा दवाने जोड़े रोकते उन्होंने रोकेंगे भी अं तो पेमेंट लै ली साड़ी जमीन तो क्यों तुम इंटरफेयर कर दे उन्होंने सड़क बना दौ तो इस करके सारे इकट्ठे हुए इन्होंने अपने पिंड मते भी दते इन्होंने पा के जिन्होंने पेमेंट मिल गई कोऑपरेट करे सड़क बना दे नेशनल हाईवे का साथ देंगे किसी कोई काम तो करने तो नहीं रोकेंगे। इस मीटिंग में क्या था आपको पता ये प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था ब्यास बटाला डेरा बाबा नानक सरकार भारत सरकार की तरफ से फोर लेन करने के लिए ये रिलीजियस एक प्रोजेक्ट था जो गुरु नानक देव जी हैं उनके तीन स्थानों को जोड़ने के लिए 550वां जब उनका उत्सव हुआ उस टाइम बाबा बकाला साहेब गुरु तेग बहादुर जी का स्थान है बटाला और सबसे मेन करतारपुर कॉरिडोर जब पाकिस्तान ने वहाँ जाने के लिए कॉरिडोर बना के परमिशन दी उसके बाद से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया कि सारे श्रद्धालु वहाँ जा सके सके उसी के रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट चल रहा था फोर लेन बनाया जा रहा था आप सबको पता है काम चल रहा था लेकिन पिछले कुछ टाइम से पेमेंट होने के बाद जब कंस्ट्रक्शन कंपनी आई यहाँ काम करने के लिए तो कई बार किसान यूनियन की या बहुत काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ होने लगा। रिसेंटली लास्ट वीक बहुत ज़्यादा चहलकला पिंड में डिस्टर्बेंस हुआ जिस कारण से भारत सरकार ने ये प्रोजेक्ट बंद करने के लिए स्टेप लिया कि जब लोकल पब्लिक ही यहाँ की नहीं चाहती और लोकल लोग ही नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट हो तो फिर उससे बंद करने में ही फ़ायदा है क्यों लोकल पब्लिक को हम परेशान करें ठीक है ना। तो जब ये प्रोजेक्ट बंद करने के लिए वो किया तो उसके बाद लोकल पब्लिक ने डीसी साहब से डीआरओ साहब से जाके मुलाकात की जो भी मता वगैरह पाके दिया जो हमें कल बुलाया गया बताया गया उसके बाद हमसे वही बोला गया कि एक बार इस प्रोजेक्ट को अभी बंद ना करके दोबारा ओपन किया जाए। उसी के रिगार्डिंग पब्लिक ने आज यहाँ पे एक मीटिंग रखी हम लोग भी आए यहाँ पे कि ठीक है अगर पब्लिक चाहती है प्रोजेक्ट हो तो फिर हम प्रोजेक्ट करेंगे क्योंकि ये पब्लिक का ही प्रोजेक्ट है। देखिए मैक्सिमम जितने पिंड आ रहे हैं ठीक है ना हमने रिटर्न में भी लेटर देखा है पिंड के लोगों ने कल डीसी साहब को मता पाके दिया है लिखित में और बाकी यहाँ के बाकी पिंड के लोग हैं सबका आप स्टेटमेंट सुन ही चुके हैं रिटर्न में दो तीन पिंड का लेटर रिटर्न में जा चुका है डीसी साहब के पास उसके बाद ही कल हमें कॉल किया गया वरना हम तो ये प्रोजेक्ट बंद करके हम बैठे हुए थे कि अब ये प्रोजेक्ट बंद हो रहा है। देखिए अब जो है क्योंकि ऊपर अब क्योंकि किसान चाहते हैं हो अगर किसान सपोर्ट करें जिनकी पहली में से ये हाईवे जा रहा है 75-80% लोग पेमेंट ले चुके हैं जितने लोग बैठे हैं तो ठीक है हम मानते 20% लोगों का पेमेंट का इशू है उनको पेमेंट नहीं हुई तो उनका देखिए सांझे खाते का इशू है या जो भी इशू उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। मान लीजिए थोड़ा उसमें टाइम लगता है क्योंकि आपसी वो रेवेन्यू रिकॉर्ड उनका आपसी डिस्प्यूट है उसको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा लेकिन कम से कम जो पेमेंट हो चुकी है 75 या 80% कम से कम उस लैंड पे अगर वो लोग हमें काम करने देते हैं तो ये प्रोजेक्ट चलेगा। हम सरकार से दोबारा गुजारिश करेंगे भारत सरकार से कि इस प्रोजेक्ट को ओपन किया जाए बंद ना किया जाए। देखिए अगर ये प्रोजेक्ट बंद होता है तो जब पेमेंट लिया है लोगों ने उसी टाइम सबने रिटर्न में एक लेटर दिया जाता है कि अगर ये सब नहीं होता है सक्सेस या कोई भी पेमेंट में हमारी गलती निकलती है तो रिकवरी की जाए रिकवरी वो लास्ट ऑप्शन है लेकिन हम चाहते हैं और जब पब्लिक खुद चाहती है कि ये प्रोजेक्ट हो इनके डेवलपमेंट के लिए क्योंकि मुझे जो लगता है शायद इस एरिया में ये बॉर्डर एरिया खैर सर ज़्यादा जानते हैं जो पुराने लोग हैं मेरे ख्याल से 50-60 साल में पहली बार इस एरिया में इतने बैकवर्ड एरिया में इतना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया है इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए। इवन हैंडीक्राफ्ट्स मेटल वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी तरह की इमारत बनाने के बाद चिंता होती है उसे सजाने की।